इस स्वतंत्र राष्ट्र भारत में आज के समय में भी कुछ ऐसी जातियां शेष रह गई हैं जिनको आक्रांताओं ने अपने कालखंड में आपराधिक जातियों की श्रेणी में डाल दिया था और आज तक वो दंभ वो जातियां लगातार झेल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गड़िया लोहार के उस दर्द के बारे में बयान करने आए हैं जो लगातार वो पिछले 500 सालों से झेल रहे हैं। दोस्तों, हमारे राष्ट्र में हमारे बीच में कुछ ऐसे देशभक्त भी रहते हैं जिनको मुगल काल या फिर ब्रिटिश काल में आपराधिक श्रेणी में डाला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रहित में अपने राजाओं को अस्त्र शस्त्र बनाकर देना बंद नहीं किया, जबकि उनको बहुत ही प्रताड़ित किया गया, विभिन्न तौर तरीकों से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन उस जाति के लोगों का वो राष्ट्रभक्ति और वो प्रेम वो तनिक भी हिला नहीं सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप किसी भी गड़िया लोहार को जानते हैं तो उसके बारे में कृपया कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें और मैं सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा कि ये वीडियो आगे बढ़ाएं, शेयर करें ताकि हमारे गड़िया लोहार भाइयों को न्याय मिल सके और उनको आपराधिक श्रेणी से हटाया जा सके। दोस्तों, ये वही जाति है जिसने राणा सांगा से लेकर राणा प्रताप और उनके पूर्वजों को लगातार लोहा यानी कि हथियार उपलब्ध कराया है और अपने राष्ट्रहित के युद्ध में लगातार भाग लिया है। तो उन मित्रों को उस समय के सत्ताधारी शासकों ने उनको आपराधिक जाति की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि उस समय वो उनको अपराध करते नजर आ रहे थे, क्योंकि वो अपने राष्ट्र प्रेम में, अपने जज्बे में, अपने देश के प्रति न्यौछावर होने में देर नहीं लगा रहे थे। तो उनकी नज़र में वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन आज इस आज़ाद भारत में वो हमारे भाई हैं और अगर हमारे हाथों में सत्ता शासन सब कुछ है, हम एक स्वतंत्र भारतीय हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा अभियान चलाएं कि गड़िया लोहारों को आपराधिक श्रेणी से हटाया जा सके। तो हमें नमन करना चाहिए उन योद्धाओं को जिन्होंने आक्रांताओं के काल में हथियार बनाकर हमारे अपने वीर राजाओं को उपलब्ध कराए हैं। तो गड़िया लोहार से परिचित होइए, ये लगभग वही लोग हैं जो आज भी थाने, कोतवाली और टूटी फूटी गलियों में रहते हैं और कहीं ना कहीं लगातार आपको बैलगाड़ी पे सामान लेकर लादे हुए ये लोग अक्सर मिल जाएंगे। अपने साथ एक कुत्ता भी रखते हैं, इनको पहचाने का एक तरीका है। इसी कुछ छोटी सी चर्चा के साथ गड़िया लोहारों को एक नमन करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। मैं आज आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।